हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जॉइन इन एयर फोर्स क्लासेस। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजवंश के जो संस्थापक हैं उनके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलते हैं, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। जो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशुनाग। जो शिशुनाग थे वो शिशुनाग वंश के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महापद्मनंद थे वो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिमुक। जो सिमुक थे वो सातवाहन वंश का संस्थापक था। ठीक है, सिमुक सातवाहन वंश के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हूण वंश का संस्थापक कौन था, तो हूण वंश का जो संस्थापक था वो था तोरमान जो थे वो हूण वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैन वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामंत सेन जो थे वो शैन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपेंद्र जो थे वो परमार वंश के संस्थापक थे। आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखते हैं 50 लाइक का। ठीक है, आई होप आप इस टारगेट को पूरा करेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रदेव जो थे वो गढ़वाल वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था नागभट्ट प्रथम जो थे वो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो थे दंती दुर्ग के द्वारा राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद वंश का संस्थापक था खिज्र खान जो थे वो सैयद वंश के संस्थापक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वहलोल लोदी जो था वो लोदी वंश का संस्थापक था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोल वंश का जो संस्थापक था वो था विजयालय जो थे वो चोल वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांड्य वंश का संस्थापक कौन था? तो पांड्य वंश का जो संस्थापक था वो था नोडियोन के द्वारा पांड्य वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यादव वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ पंचम थे वो यादव वंश के संस्थापक थे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होयसल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुवर्धन के द्वारा होयसल वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोकल जो था वो कलचुरी वंश का संस्थापक था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालुब वंश का जो संस्थापक था वो था नरसिंह के द्वारा सालुब वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलुब वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर नरसिंह के द्वारा तुलुब वंश की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूलराज के द्वारा सोलंकी वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सक्री वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक सरवर जो थे वो सक्री वंश के संस्थापक थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोसले वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
शिवाजी राजे भोसले के द्वारा भोसले वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल वंश का संस्थापक कौन था? पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल। गोपाल के द्वारा पाल वंश की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव। जो वासुदेव थे, उन्होंने चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है,